बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार जोहार। किसान भाई बहन मन रौरे मन पिछला कोरोना के देखी और उकर परेशानी के भी देखी, इसलिए हम रौरे मन के हमेशा से हाथ जोड़ के विनती करत रही कि किसान भाई बहन मन अपन छुआ मन कर और अपन ख्याल रखू। अब देखू कि तीसरा लहर ओमिक्रोन का नाम आ जा है, सेले रौरे मन से आरजू करा थी विनती करा थी कि रौरे मन अपन और अपन छुआ के विशेष ध्यान देव, मास्क जरूर पहनू और सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी बनाए के रखू, साबुन से सैनिटाइजर से हाथ के जरूर धोबू ताकि रौरे मन सुरक्षित रहब, है नहीं। तो हम अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी जानकारी को, मगर जानकारी लेवे कर आगे हमरे सबसे पहले देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बिरसा हरित ग्राम योजना से लाभान्वित हो रहे हैं ग्रामीण परिवार। बेहतर पशुपालन के लिए समय पर कराएं पशुओं का टीकाकरण। कंपोस्ट निर्माण को आसान करता है प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड। देश में हुए लॉकडाउन के चलते अपने राज्य वापस आए कृषकों और मजदूरों के साथ ही राज्य के ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराने के दृष्टिकोण से राज्य सरकार ने कई योजनाएं आरंभ की है, जिनमें से एक है बिरसा हरित ग्राम योजना। इस योजना के तहत 5,00,000 ग्रामीण परिवारों को 100-100 फलदार पौधों का पट्टा दिया जाएगा, जिससे पूरे राज्य में लगभग 5 करोड़ पौधों का रोपण हो सकेगा। इस योजना का उद्देश्य कृषकों और मजदूरों को रोजगार देने के साथ ही राज्य के प्राकृतिक संसाधनों में वृद्धि करना है। पशुपालकों अपने पाले गए गाय बकरी मुर्गी या सूकर इत्यादि पशुओं का समय पर टीकाकरण अवश्य करवाएं। टीकाकरण से पशुओं में रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और आपके पशुओं का संभावित रोगों से बचाव होता है। रोग लग जाने की स्थिति में इलाज में खर्च भी ज्यादा होता है, परेशानी भी होती है और रोग के ज्यादा होने पर पशुओं की हानि भी होती है। इसलिए पशुओं का टीकाकरण अवश्य कराएं और बेहतर लाभकारी पशुपालन करें। मसालों में मिर्च हमारे झारखंड में प्रमुख रूप से उपजाई जाती है। वर्तमान समय में मिर्च की पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी नामक प्रभेदों की बुआई कर कृषक लाभान्वित हो सकते हैं। झारखंड की मिट्टी एवं जलवायु में मिर्च के ये प्रभेद अच्छा उत्पादन देते हैं। पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी ये मिर्च के वैसे प्रभेद हैं जो झारखंड की जलवायु और मिट्टी में बेहतर उपज देते हैं। इनके 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 80 से 100 क्विंटल हरा मिर्च प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में जिस प्रकार ठंड का प्रकोप बढ़ा है, ऐसी स्थिति में पशुओं को ठंड लगने की संभावना रहती है। पशुपालक यदि अपने पशुओं के नाक से पानी बहना और सांस लेने में पेट का फूलना इत्यादि जैसे लक्षण दिखें तो ये ठंड लगने के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में सुबह धूप निकलने पर ही पशुओं को बाहर चरने भेजें। पीने के लिए मवेशियों को गर्म पानी देना चाहिए। सुबह शाम पशुओं के आवास में हीटर या अलाव की व्यवस्था करें। साथ ही पशु विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। बर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड की सहायता ले सकते हैं। यह बेड हल्के होने के कारण कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड एक बहुत ही उत्तम उपकरण है। आमतौर पर किसान कंपोस्ट निर्माण के लिए पक्के बेड का निर्माण कराते हैं, जो इस उपकरण की तुलना में महंगा होता है, साथ ही बहुत स्थान घेरता है। इसके बनिस्पत प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड बहुत सुविधाजनक होता है। हल्के होने के कारण इसे कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है।
और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही, परंतु जाते जाते आपसे निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें, संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें, अपने और अपने परिवार के सदस्यों को कोरोना टीके की दोनों खुराक अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरेमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलत। अखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम पे, हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरेमन की जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है, साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु PGS के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक FPO द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान।
विराम के बाद रौरे मन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। आज कल जो जानकारी है कि देखो जीवन बकरी छगरी पोसाना पालना वो मन ले जानना बहुत जरूरी है कि बकरी मन में प्रजनन कर समस्या और उसका समाधान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कहा कि बकरी में प्रजनन के कारण बहुत नुकसान होला, बहुत बकरी का छुआ मर जाना, बकरी मर जाना, तो से ले इकर समस्या ले और इकर जानकारी ले हमरे सीधे चलती हमरे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी लेवा थी। एक बकरी लगभग 1.5 वर्ष की उम्र में बच्चा प्रजनन करने की स्थिति में आ जाती है और 6 से 7 महीने में प्रजनन करती है। प्रायः एक बकरी एक बार में 3 से 4 बच्चों का प्रजनन करती है और 1 साल में 2 बार प्रजनन करने से इनकी संख्या में वृद्धि होती है। बच्चे को 1 वर्ष तक पालने के बाद इसे बेचा जा सकता है। पशुपालक जो कि बकरी पालन करते हैं वो बकरी पालन करके काफी मुनाफा कमाते हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पर पशुओं में कई बार प्रजनन की समस्या होती है और आज हम चूँकि बात करेंगे बकरियों पे, तो बकरियों में ये समस्या क्यों होती है और इसका समाधान क्या हो सकता है? नमस्कार। बकरियों में खास करके आपने पूछा है कि प्रजनन की समस्या। देखिए, ये प्रजनन की समस्या होने पर बकरी पालक जो भी हैं उनको जो उचित लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है कि जितने आप बच्चे को या छौना जिसको कहते हैं आप उसको बचाएंगे उतना ही अधिक लाभ होगा। तो प्रजनन की समस्या पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बकरियों से हम 2 बार प्रजनन ले सकते हैं 1 साल के अंदर में, क्योंकि इसका जो जेस्टेशन पीरियड हम लोग कहते हैं यानी बच्चे रखने की जो अवधि है वो 150 दिन के अंदर है, यानी कि 148 से 150 दिन के अंदर। तो इसमें आप जितना बच्चे को लाभ ले सकिएगा वो आपके लिए लाभदायक है, इसीलिए आपको उनके प्रजनन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली बात मैं प्रजनन में कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग बकरियाँ चरा करके रखते हैं और चराने के क्रम में क्या होता है जिसको हम लोग कहते हैं खनिज लवण, यानी कि मिनरल डिफिशियंसी हो जाने की वजह से बकरियाँ क्या होती है कि वो गर्म नहीं होती हैं और गर्म नहीं होने पर वो पाल नहीं रखती हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको ख़ास तौर से जिन बकरियों को आप चराने के क्रम में रखे हुए हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप उनको मिनरल मिक्सचर जो है वो ख़ास तौर से जब वो गर्म होती हैं उसके पहले से आप इनको मिनरल मिक्सचर देना शुरू कीजिए। लिहाजा बकरियों में पोषक तत्व की कमी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए गर्भधारण करने वाली बकरियों को अनाज का दाना ज़रूर प्रचुर मात्रा में खिलाना चाहिए। केवल चरने भर से उन्हें पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, इसलिए घर पर ही उन्हें अलग अलग तरह के अनाज के दाने ज़रूर दें। चरने के क्रम में बकरी गई चरी तो उनको वो पर्याप्त मात्रा में वो मिनरल नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से वो क्या होता है कि प्रजनन के लिए वो तैयार नहीं हो पाती हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है कि जिस बकरे से आप प्रजनन करा रहे हैं उसका भी स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उसका भी भरपूर पौष्टिक आहार उसको देने की ज़रूरत है जब आप प्रजनन के लिए तैयार करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि हर कोई एक बकरा और एक बकरी इस तरह से नहीं रखते हैं, बकरा एक सामूहिक रूप से ही रखा जाता है। तो जो सामूहिक रूप से जो बकरे को रख रहे हैं उनका कम से कम भरण पोषण ख़ास तौर से अच्छी तरीके से करें, ताकि अगर आपके बकरी से उनका प्रजनन कराया जाए तो वो बच्चा रख सके। पशु विशेषज्ञ कहते हैं कि गर्भधारण के शुरू में यानी कि 2 महीने तक टीकाकरण किया जा सकता है, लेकिन अंतिम के 3 महीनों में वैक्सीनेशन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई पशुपालक करते भी हैं तो उन्हें डॉक्टरी सलाह पर ही किसी भी तरह की वैक्सीन
या औषधि का इस्तेमाल करना चाहिए, अन्यथा गर्भपात हो सकता है। गर्भ धारण करने के बाद भी आपका क्या है कि एबॉर्शन हो जाता है, बच्चे को रख नहीं पाती है बकरी, तो इसका भी कारण मुख्य रूप से यही है, क्योंकि बच्ची बकरी आपके उस तरह से तैयार नहीं है, आपने प्रजनन करा दिया तो एक तरह से वो बच्चे को बाहर फेंक देती हैं। तो इस अवस्था में आपको दो तीन चीज़ का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो हमने जैसा कहा कि खनिज लवण की आवश्यकता है, उसे आप अवश्य दीजिए। पोषण व्यवस्था में ख़ास तौर से बकरियों को उस समय में जब वो गर्भ धारण करने के लायक होती हैं तो उनको आप घर में कुछ अनाज जैसे कि है वो आप उनको दीजिए। नहीं तो ऐसा क्या होता है कि आपके गांव में क्या करते हैं, बकरी को सिर्फ चरा करके रखते हैं, तो चराने की वजह से उनके बकरियों में वो क्षमता नहीं रह पाती है। तो इसके लिए आप इस तरह का प्रयोग करते हैं, अगर खनिज लवण का साथ में उनके पोषण के लिए आप थोड़ा सा उनको भोजन के तौर पर मकई का दर्रा आप दीजिए, साथ में थोड़ा सा बादाम की खल्ली मिले तो वो बादाम की खल्ली और साथ में नमक मिला करके आप कम से कम 300 ग्राम प्रत्येक बकरी को और जो बकरा से प्रजनन कराना है उनको भी आप दीजिए, ताकि आपका बच्चा जो है वो स्वस्थ पैदा हो सके। बिल्कुल, पशु विशेषज्ञ कहते हैं कि जब बकरी गर्भवती हो जाती हैं तब उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ती है। शुरुआत के 2 महीने में तो कम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अंतिम के जो 3 महीने होते हैं वो गर्भवती बकरियों के लिए बहुत ज़्यादा अहम और नाजुक होते हैं। ऐसा है कि शुरू के अवस्था में तो अगर आपने टीकाकरण कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बकरी के बच्चे में आने का समय, जैसे कि हमने कहा कि 5 महीना समय है बकरी का ये आने का गर्भावस्था से बच्चे को बाहर आने में, तो ऐसी स्थिति में 2 महीने तक तो आप अगर किसी तरह का वैक्सीनेशन वगैरह कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अंत के 3 महीने में आपको उस तरह की दवाइयाँ डॉक्टर से पूछ करके ही आप दीजिए, ताकि आपका बच्चा जो गर्भ धारण किए हुए है वो आपका बाहर गिरा नहीं दे, तो इससे आपको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि फिर आपको अगले वर्ष जब वो फिर से गर्म होगी फिर से आपको पाल दिलाना होगा, तो उस अवस्था से बचने के लिए आप अपने पशु चिकित्सक की सलाह पर ही कोई औषधि चलाएं, और ख़ास तौर से जब 3 महीना गर्भधारण का बच्चा हो तो उसमें बगैर पूछे आप औषधि नहीं चलाएं। तो बताओ, अगर रौरे में छगरी बकरी पाला थी तो अब तो जानकारी मिल गया कि बकरी का प्रजनन समस्या जो है वो कैसे दूर होगी और एक समस्या का समाधान भी मिल गया। तो किसान भाई बहन मन, चलू हम अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती दूसर जानकारी की ओर। दूसर जानकारी है कि शिमला मिर्च कर वैज्ञानिक खेती और सब्जी मन के संरक्षित खेती। तो शिमला मिर्च कर जो वैज्ञानिक खेती है उकर बारे में तो रोरमन जानबे करी, लेकिन फिर भी हम बता देव रोरमन के, और जो सब्जी का संरक्षित खेती है, अगर मान ले कि रोरमन पोली हाउस में ग्रीन हाउस में सब्जी कर खेती कर रही तो उकर का हुई कि कीड़ा मकोड़ा से रो सब्जी सुरक्षित रही और उकर से लाभ हुई फायदा हुई। तो चलू ये जानकारी ले हमरे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी लेवा थी। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिमला मिर्च की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाती है, हमारे किसान भाई सब जानना चाहेंगे। किसान भाइयों, अभी जो है गर्मी का मौसम, अब ठंड चल रहा है, गर्मी का मौसम आने वाला है, तो गर्मी में जो है शिमला मिर्च की खेती बहुत ही व्यापक पैमाने पर झारखंड में किया जाता है और रांची के आसपास किसान ज़्यादा करते हैं। जो भी धान का खेत है उसमें जो है शिमला मिर्च का ज़्यादातर खेती लोग करते हैं, उसके अलावा जो है टपक सिंचाई जिनके यहाँ लगा हुआ है वही किसान भाई करते हैं। तो अभी जो है आप जनवरी के महीने में जो है शिमला मिर्च का अगर बीज बुआई कर देते हैं तो उससे क्या है कि करीब 30 से 35 दिन में जो है बिखरा आपको तैयार हो जाएगा, और तैयार हो जाएगा तो उसको रोपाई कर देंगे,
तो फरवरी माह उपयुक्त है शिमला मिर्च की रोपाई के लिए। शिमला मिर्च जो है जैसे कि उसका बीज जो है बहुत ही महंगा आता है, तो महंगा आता है उसके कारण जो है हमको उसके बीज को सावधानी पूर्वक जो है उसका करना चाहिए, जिससे कि कम बीज लगे और जिससे खेती में लागत कम आवे, मुनाफा ज़्यादा हो। तो उसके लिए जो है किसान भाई प्रो ट्रे में जो है प्लास्टिक के ट्रे में जो है बिचड़ा उत्पादन करते हैं, जो उसमें मिट्टी रहित है, कोकोपीट एवं केचुआ खाद का मिश्रण जो है तैयार करते हैं, उसमें कोकोपीट की मात्रा आधा, जैसे कि कोकोपीट को पानी में फुला करके और उसको निचोड़ करके निकाल लेते हैं, फिर मापी के हिसाब से जितना मग से, बाल्टी से, कढ़ाई से, जिससे भी आपको सुविधा हो उससे माप लीजिए कितना कोकोपीट है, और उतना ही मात्रा मापी के हिसाब से केचुआ खाद, जो शुद्ध केचुआ खाद हो, जिसमें मिट्टी मिला हुआ नहीं हो। अगर मिट्टी मिला हुआ रहेगा तो फिर मिट्टी से जो बीमारी पैदा होता है वो बीमारी आपको बिचड़ा में आएगा, तो मिट्टी रहित केचुआ खाद हो उसका आप प्रयोग करेंगे, उसको उस तरह से मिश्रण को तैयार करके प्रोट्रे में भर देंगे, फिर एक एक बीज जो है उसमें आप लगाएंगे। अगर उसके बारे में कोई विशेष जानकारी लेना होगा तो आप हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू पर आकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो और अभी जैसे कि ठंड के मौसम में जब हम बिचड़ा तैयार कर रहे हैं, तो हमको रात में जो है पाला से बचाव के लिए, ठंड से बचाव के लिए जो है, जहाँ पर भी आप प्लास्टिक का ट्रे रख रहे हैं बिचड़ा तैयार करने के लिए, वहाँ पर रात में जो है पारदर्शी प्लास्टिक जो सफ़ेद रंग का रहता है उससे जो है उसको आप ढक दें, जिससे कि रात में ठंड से एवं पाला से बचाव हो जाए और पौधे का बढ़वार अच्छा से हो। जब आपका अंकुरण हो जाए तो प्लास्टिक को जो है 2 से 3 फीट ऊंचाई पर उसको मचान जैसा बना करके ढकना चाहिए, जिससे कि पौधा का मतलब कोई ठंड से नुकसान नहीं हो, और बहुत नज़दीक अगर प्लास्टिक आप ढकेंगे तो उससे बिचड़ा ख़राब होता है। तो इन सब बातों पर ध्यान देंगे। उसके बाद जब हम बिचड़ा तैयार करने की बात कर रहे हैं, तो संकर किस्म का जो है आप सिंजेंटा का, इंदिरा है, बॉम्बे है, और ओवेली है, और भी अलग अलग कंपनियों का जो है संकर किस्म आ रहा है, जिसका कि बीज का दाम जो है 10 ग्राम का जो है 1000 से 1200 रुपये पड़ता है। और जो आपको देसी किस्म है, हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू के द्वारा जो है शिमला मिर्च की एक देसी किस्म, बहुत ही अच्छी किस्म विकसित किया गया है, स्वर्ण अतुल्य, उसका बीज हमारे केंद्र पर उपलब्ध है। और उत्पादन में आपको संकर किस्म और देसी किस्म में बहुत ज़्यादा का आपको अंतर नहीं होगा, लेकिन दाम में जो है बीज का दाम में करीब 10 गुना का अंतर है। जो किसान भाई पारंपरिक ढंग से खेती कर रहे हैं, जैसे कि जिनके खेत में टपक सिंचाई नहीं लगा हुआ है, तो वह किसान भाई क्यारी से बना करके करेंगे, उसमें जो है लाइन से लाइन की दूरी जो है 60 सेंटीमीटर रखेंगे और पौधों से पौधों की दूरी जो है 45 सेंटीमीटर रखेंगे। लेकिन जो किसान भाई टपक सिंचाई से मैं कर रहे हैं, जो बेड बना करके कर रहे हैं, तो वहाँ से लाइन की दूरी 1.2 मीटर वो फिक्स है सभी किसान भाइयों के खेत में, लेकिन पौधों से पौधों की दूरी जो है आप 40 सेंटीमीटर रखेंगे और एक बेड में डबल रो करेंगे, पाइप आपको टपक सिंचाई का पाइप बीच में होगा और उसके दोनों तरफ जो है 40-40 सेंटीमीटर के दूरी पर जो है आप पौधे को रोपाई करेंगे। ध्यान रखेंगे कि इनमें एक लाइन का पौधा दूसरे लाइन के सामने नहीं हो, जिग जैक हो, उस तरह से अगर आप रोपाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि शिमला मिर्च का जो है अच्छा उत्पादन मिलता है। और शिमला मिर्च का व्यावसायिक खेती, जैसे कि अगर 1 एकड़ आप खेती कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि कम से कम 1.25 लाख रुपया आपको आमदनी हो सकता है 4 महीनों के अंदर में। तो हमारा किसान भाइयों से सुझाव रहेगा कि आप शिमला मिर्च का झारखंड में व्यापक पैमाने पर खेती करें, साथ ही साथ जो हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू से विकसित किस्म है स्वर्ण अतुल्य, जिसका बीज अभी उपलब्ध है 10,000 रुपये केजी है और 10 ग्राम पैक का आपको जो है 100 रुपया है, उसका जो है आप बीज प्राप्त करके और उसका खेती कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे किसान भाइयों को आप क्या और बतलाना चाहते हैं? किसान भाइयों, जब भी हम कोई भी सब्जी का पौधशाला तैयार कर रहे हैं, तो पहले तो प्लास्टिक के ट्रे में, प्रो ट्रे में करें। दूसरा जो है बीज उपचारित करके करें। अगर रासायनिक दवा के द्वारा आप कर रहे हैं तो बवेस्टिन नामक दवा, और अगर जैविक के द्वारा कर रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा को मिला करके और उस बीज बुआई करेंगे, तो उससे जो है बीज जनित जो रोग है वह आपको उसमें नहीं होगा, कम होगा। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि शिमला मिर्च की वैज्ञानिक खेती के बारे में धनंजय जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी। आशा करते हैं इनकी जानकारी प्राप्त करके आप शिमला मिर्च की खेती अच्छे से करें, अपने पैदावार आगे बढ़ाएं। तो बताओ, ये दुयो जानकारी रौदे के कैसे लाग लग, दुयो जानकारी बेस है ने। तो किसान भाई बहन मन कहकर मतलब है कि देखो, इसमें जानकारी
रोटीन है, ये हमारे को जानकारी चाहिए, तो पता के तो लिखवा दे भी ले, लेकिन और दोहराए देव अथी कि पता के लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। एक और जानकारी देवे के है रौर मन के कि बहुत किसान भाई बहन मना कहे ना कि देखो भाई रौर जो कार्यक्रम रहे जो प्रोग्राम रहे वो हम देखे नहीं पा ली छूट गलक उकर जानकारी हमको नहीं मिलक। चिंता कर बात न खे रौरे मन, अपन मोबाइल के यूट्यूब में ट्विटर में फेसबुक में जाए के देख सकीला और जानकारी के पा सकीला। तो आज इजाजत दो मकिल यही दिना और यही बेरा नवा जानकारी साथ और उपस्थित होब। तब तक नमस्कार जोहार। हम भी जो की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की, हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।